राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के लिए शुक्रवार शाम को रायशुमारी की। इसमें कांग्रेस की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक राजीव गुजराती, जिलाध्यक्ष प्रकाश पुरोहित के समक्ष समस्त पार्षद पदों के उम्मीदवारों की रायशुमारी की गई। वहीं पर्यवेक्षक ने बताया कि इस बार पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता और जिताऊ प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की इस बैठक स्वर्णकार धर्मशाला में आयोजित की गई, जहां पर कांग्रेस पर्यवेक्षक राजीव गुजराती द्वारा नगर के सभी 15 वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाकर स्थानीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी भी की गई। जिलाध्यक्ष प्रकाश पुरोहित द्वारा बताया गया कि कुछ वार्डों में अधिक दावेदार सामने आए हैं, जिनसे आपस में चर्चा कर बेहतर उम्मीदवार के लिए सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। टिकट के लिए जहां स्थानीय स्तर पर समन्वय समिति बनाई गई है, जो सामंजस्य बैठाकर उम्मीदवारों के नाम देंगे, तो फिर वहीं प्रदेश संगठन उम्मीदवार के नाम भी तय करेगा। पर्यवेक्षक साहब ने बताया बहुत सारे नामांकन पत्र आए हैं और ये पार्टी की लोकप्रियता का पैमाना है कि काफी लोग जो है कांग्रेस के पार्षद पद के लिए आवेदन किए, जिससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी की आज यही दशा पंचायतों में भी, जिला पंचायतों में भी है, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि उन्हें, क्योंकि जहां सीमित होते हैं लोकपाल, वहां कार्यकर्ता को चुनने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर पार्टी में अगर एक ही वार्ड में एक उम्मीदवार तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन जहां काफी हो वहां, मतलब जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट हो, वहां उन्हें चुनने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है और उससे उस चीज की लोकप्रियता का पता लगता है कि मतलब जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतने ज्यादा, और कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है उसके बावजूद भी लोग कांग्रेस का पार्षद का टिकट प्राप्त कर रहे हैं। विगत 10 वर्षों में नरसिंहगढ़ में भाजपा का शासन है नगर पालिका में, और चार पार्षद कांग्रेस के जीत के आए, ऐसा ना हो टिकट में लेकर कुछ, क्या सबकी राय शुमारी ली जाएगी? सभी वरिष्ठ नेताओं की राय शुमारी ली जाएगी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर ध्यान रखा जाएगा और जो पार्षद हैं, जो पार्षद के लिए आवेदन जिनने किए हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी देखी जाएगी, उनका कांग्रेस के प्रति निष्ठा देखी जाएगी, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पर्यवेक्षक जो आए हैं वो बिल्कुल छानबीन करके, और जो लोग जीतने वाले हैं और जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, दोनों चीजें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखी जाएगी कि निष्ठावान होना चाहिए और वो जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, और उसकी पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस के लिए होनी चाहिए, जो कांग्रेस के मतलब इन दिनों में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है उसके बाद भी जो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा लड़ा के खड़ा हुआ है, उस कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी, ये हमारा मतलब सोच है। और इसी सोच के साथ आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और क्योंकि राजगढ़ जिला जो है आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व से जाना जाता है, और सदैव राजा साहब सत्य के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कितने ही झंझावत आए, लेकिन उनने सत्य का साथ दिया है, उनने कभी बेईमानों का साथ नहीं दिया है, ऐसे राजा साहब के साथ हम खड़े हैं, हम निश्चित तौर से जीतेंगे। ये प्रक्रिया अभी जारी है, एक वार्ड से जी, हर वार्ड से आधा आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं, और सभी ने ये भरोसा दिलाया है कि जिसे भी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी सब मिलकर उसे चुनाव जिताएंगे। निश्चित रूप से नरसिंहगढ़ में इस बार नगरपालिका परिषद कांग्रेस जीतने जा रही है, और अपना अध्यक्ष बनाने के बाद जनता की सेवा में अपना 100% कांग्रेस पार्टी देगी। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक गिरीश, जिला उपाध्यक्ष गोविंद सिंह गुर्जर एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मंजुलता शिवहरी एवं समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ से भगवान सिंह अरिवार की रिपोर्ट।